आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो आज हम ये देखेंगे कि थेपला कैसे बनाया जाता है, और ये जो थेपला है ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसको आप 3-4 दिन तक आसानी से स्टोर भी कर सकते हो। और ये जो थेपले हैं ये इतने सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं कि इसको आप बिना सब्जी के भी खा सकते हो। तो अगर घर में आपके पास सब्जी वगैरह अवेलेबल ना हो तो ये थेपला की रेसिपी आपको बहुत ही काम आ सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर थेपला को बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप मेथी। इस मेथी को आपको पानी में पहले अच्छे से वॉश करना है, और इसको वॉश करने के बाद हमें इसको बारीक बारीक कट करना है। मेथी के साथ साथ हमें यहाँ पर चाहिए 1/4 कप कोरिएंडर यानी कि धनिया। धनिया को भी मैंने पानी में एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल यानी कि सेसमे सीड्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर जाएगा 1 बड़ी चम्मच अजवाइन, जिसको हम कैरम सीड्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने पसंद अनुसार यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर जाएगा 1/2 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। और फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट भी डालते हैं, तो आप चाहो तो आप भी डाल सकते हो। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 2 बड़ी चम्मच तेल, जिससे कि ये जो थेपला है ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं ये डेसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये 0 कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, तो इस वजह से ये आपकी फैमिली की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आमतौर पर जो ऑलिव ऑयल होता है इसका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लेकिन यहाँ पर जो डेसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है ये एकदम ही माइल्ड है, और इस वजह से आप इस ऑयल से कोई भी इंडियन खाना एकदम ही आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको भी ये डेसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल खरीदना है तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर इसमें डालना है 2 बड़ी चम्मच कर्ड यानी कि दही, और ये जो दही है ये खट्टा नहीं होना चाहिए। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको हम हल्का सा मस लेंगे भी, ताकि ये जो मेथी है ये अपना पानी छोड़ दे। यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे 2 कप गेहूँ का आटा यानी कि व्हीट फ्लार। जितना आपने मेथी लिया हुआ है उसका डबल आपको यहाँ पर गेहूं का आटा लेना है। तो हमने 1 कप मेथी ली हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है 2 बड़ी चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लार। यहाँ पर बेसन डालना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब पहले हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय पर आपको यहाँ पर पानी नहीं डालना है, पहले आपको यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स करना है, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, और इसका हमें मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करना है। जब ये डो एक बार जुड़ने लगे तब आपको यहाँ पर इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए मसलना है। और क्योंकि हमने यहाँ पर इस डो को बनाने के लिए बेसन का भी इस्तेमाल किया हुआ है, इस वजह से ये जो डो है ये हल्का सा चिपचिपा रहेगा, तो इस वजह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर इसको मसल सकते हो, ताकि ये जो डो है ये आपके हाथों में चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने इस डो को लगातार 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी स्मूथ बना हुआ है, और ये जो डो है ये इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पर इस डो को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दे सकते हो। और फिर हमें यहाँ पर इस डो में से ऐसे मीडियम मीडियम साइज़ के बॉल्स रेडी करने हैं। चलिए इसी तरह मैंने ये बाकी सारे बॉल्स भी रेडी कर लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये जो डो है इसको गेहूँ के आटे में अच्छे से डस्ट करना है, और फिर हम यहाँ पर इसको एक चकले के ऊपर रख कर हमें इसको एकदम ही पतला बेलना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इस थेपला को बेल लिया है, और ये जो थेपला है ये इतना पतला होना चाहिए। इसी तरह मैंने और थेपले बेल कर रखे हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो कि इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बावजूद भी ये जरा भी नहीं चिपके हैं। तो अब बारी आती है यहाँ पर इस थेपला को सेकने की। तो थेपला आप 2 तरह के बना सकते हो, एक तो क्रिस्पी थेपला और एक सॉफ्ट थेपला। तो अगर आपको यहाँ पर क्रिस्पी थेपला बनाना है तो इस थेपला को आपको एकदम ही स्लो फ्लेम पर सेकना है, और इसको आप दबाते भी रहिएगा ताकि ये अच्छे से सेक भी जाए और एकदम ही क्रिस्पी बन पाए। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो थेपला है इसके ऊपर ऐसे बबल्स आना शुरू हो जाए, तब आपको यहाँ पर इस थेपला को पलटना है, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। अब इसको पलट कर हमें इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा तेल अप्लाई करना है,
और बस सर आपको यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है ताकि अच्छे से सिक जाए और एकदम ही क्रिस्पी बन पाए। चलिए यहाँ पर जो क्रिस्पी वाला थेपला है ये रेडी हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि सॉफ्ट थेपला कैसे बनाना है। तो यहाँ पर सॉफ्ट थेपला बनाने के लिए आपको इस थेपला को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है और यहाँ पर आपकी जो गैस की फ्लेम है वो आप मीडियम पर रख सकते हो। तो जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाए तो आप उसको पलट लीजिए और इसकी दोनों साइड पर आपको तेल लगाना है। चलिए यहाँ पर जो थेपला है ये रेडी हो चुका है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर एक गर्म गर्म थेपला बनकर रेडी हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। इस थेपला को आप दही के साथ खा सकते हो, किसी सब्जी के साथ खा सकते हो या फिर चाहो तो प्याज के साथ भी खा सकते हो। और अगर आप इस थेपला को 3-4 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो तो जब एक बार ये थेपला ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे एक एयरटाइट डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर आप इसको आसानी से 3-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये थेपला की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको और कौन कौन सी रेसिपीज जाननी है इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए।